ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मकर संक्रांति के मौके पर देश प्रदेश में पतंगबाजी के साथ साथ नेताओं की सियासी पेजबाजी भी परवान पर रही। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने मीडिया के जरिए गुरुवार को एक बार फिर पार्टी आलाकमान को मैसेज दे दिया है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास केवल 21 विधायक रह गए थे। ऐसे में जो कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं, उनको अब सम्मानित करने का समय है। इसके साथ ही पायलट ने यह मैसेज भी दे दिया है कि जनवरी माह में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी पूरा होना है। पायलट ने कहा कि जनवरी में राजनीतिक नियुक्तियां करने का फैसला किया गया था, उम्मीद है वह पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें ही मिली थी और उसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। यह भी याद दिला दे कि हाल ही में सीएम गहलोत के एक बयान के बाद अजय माकन ने सचिन पायलट को पार्टी के लिए असेट बताते हुए पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि जनवरी माह में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा कर लिया जाएगा। खैर, मकर संक्रांति पर सचिन पायलट का बयान राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे पार्टी के कर्मक नेताओं के लिए काफी सुकून देने वाला माना जा रहा है। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मकर संक्रांति के दिन सुबह अपने आवास पर पधारे साधु संतों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं उसके बाद वैशाली नगर स्थित कांग्रेस नेता राजेश चौधरी के आवास पर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया। इसके बाद पायलट सीकर के लिए रवाना हो गए। वैशाली नगर में मीडिया के एक सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि वेणुगोपाल हमारी राज्यसभा के सांसद है, उनसे मैंने कई मुद्दों पर बात की है। केंद्र से राज्यों को जो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है वह मुद्दा राज्यसभा में उठाया जाएगा। संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। राजस्थान के सियासी मसलों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके निर्णयों को जल्द राजस्थान में लागू किया जाएगा। पीसीसी की एक छोटी लेकिन संतुलित टीम बनाई गई है। जनवरी के महीने में राजनीतिक नियुक्तियां करने का तय किया गया था, उम्मीद है वह हो जाएगा। इसी दौरान पायलट ने यह भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल 21 विधायक रह गए थे। ऐसे में जो कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लेकर आए उनको सम्मानित करने का अब समय है। सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस की छोटी टीम पर भी पूछे गए सवाल पर कहा कि अजय माकन और डोटासरा ने छोटी लेकिन एक संतुलित टीम बनाई है। राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि जल्द कांग्रेस के चुनाव होने हैं, हम सबकी यही राय है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें। बीजेपी में अंतरकलह पर पायलट ने कहा कि वह दूसरी पार्टी के विषय पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता सब देख रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।